ये देखिए दोस्तों, हमारा मसूर दाल फ्राई बिल्कुल होटल जैसा बन के तैयार हुआ। ये खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। मसूर दाल फ्राई बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप लाल मसूर की दाल। दाल को 2 से 3 बार पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे या धो लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। पानी डालकर मसूर की दाल को गैस पे पकने देंगे। आप चाहें तो कुकर में हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगा सकते हैं। दाल में 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। स्वाद अनुसार या 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। दाल में हल्दी नमक को एक बार मिलाते हुए चला लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और दाल में एक उबाल आने देंगे। ये देखिए दोस्तों, दाल में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे हम इसे मिला लेंगे। दाल को मीडियम फ्लेम पे ढक कर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। दाल को पकते हुए 10 मिनट हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए, दाल गल गई है। हम इसे एक बार फिर से मिला लेंगे। दाल को इस तरह चम्मच में लेकर इसे दबा कर चेक कर लेंगे। इस तरह से दाल हमारा पक गया है। हमें इसे इतना ही पकाना है और इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और चलिए अब दाल को फ्राई कर लेते हैं। दाल फ्राई करने के लिए हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गरम हो गया है, हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच तेल डालेंगे। आप इसे घी या बटर में भी फ्राई कर सकते हैं। तेल में चुटकी भर या 1 पिंच हींग डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 1 सूखा लाल मिर्च डालेंगे। 3 से 4 कटी हुई लहसुन की कलियां डालेंगे या 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। 8-10 कड़ी पत्ता डालेंगे और सभी इंग्रेडिएंट को इस तरह मिलाते हुए फ्राई कर लेंगे या भून लेंगे। फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गया है, अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करने से दाल का कलर होटल जैसा आता है। 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालते समय ध्यान रखेंगे कि हमने दाल में भी नमक डाला, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और सभी इंग्रेडिएंट को 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मिलाते हुए भून लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। टमाटर को हमें गलाना नहीं है, सिर्फ टमाटर का कच्चापन दूर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, सभी इंग्रेडिएंट अच्छी तरह भून गए हैं। अब हम इसमें पकी हुई लाल मसूर की दाल डालेंगे या ऐड करेंगे। दाल डालकर गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए दाल को मिलाते हुए पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों, होटल स्टाइल मसूर दाल फ्राई बनके तैयार हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और चलिए दाल फ्राई को सर्व कर लेते हैं। आप इसे चावल, चपाती किसी के भी साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें।